वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई देन प्लस ऑफ वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू थ्री अपॉन फोर. अनदर वन इज वन अपॉन ट्वाइस ऑफ थ्री एक्स प्लस वाई माइनस वन अपॉन ट्वाइस ऑफ थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एट. ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम रिड्यूसिंग मेथड से करना चाहते हैं. तो सबसे पहले हमें लेट करना होगा, लेट वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई को यू एंड देन वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई को वी. अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को रिड्यूस करना चाहता हूं तो मेरे पास पहली इक्वेशन निकल कर आएगी u प्लस वी विच इज इक्वल टू थ्री बाय फोर. सेकेंड मेरे पास निकल कर आएगी u अपॉन टू, क्योंकि ये तो पूरा पोर्शन u हो जाएगा, तो ये आएगी u अपॉन टू माइनस v अपॉन टू माइनस वन अपॉन एट. सो हेयर इट विल बी टू फोर जाए, u की वैल्यू निकल कर आएगी u माइनस वी इक्वल टू वन अपॉन फोर. इट इज फर्स्ट इक्वेशन एंड इट इज सेकेंड इक्वेशन. सो वी हैव टू अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड हियर टू गेट द वैल्यू ऑफ u एंड v. हम यहां पर u एंड v की वैल्यू निकालना चाहते हैं. सो व्हाट विल बी द आंसर. सो एक तरफ u एंड v जो कि 3 अपॉन 4 के इक्वल है, दूसरी तरफ u माइनस v जो कि माइनस 1 अपॉन 4 के इक्वल है. तो यहां माइनस, यहां प्लस और यहां प्लस, u विल बी कैंसिल आउट. देन v और v मिलके कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ v, 3 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4, हाउ मच इट इज 4 अपॉन 4. ये कट के आंसर क्या आ जाएगा, 1. सो हियर ट्वाइस ऑफ v इज इक्वल टू 1, सो द वैल्यू ऑफ v विल बी 1 बाय 2. तो v की वैल्यू जैसे 1 बाय 2 आएगी, पुट इट एनी टाइप ऑफ इक्वेशन. तो मैं सेकेंड इक्वेशन में इसे डाल देता हूं, तो v की वैल्यू 1 बाय 2 एंड माइनस 1 अपॉन 4, देन ये आ जाएगा 1 बाय 2 माइनस 1 अपॉन 4. तो u की वैल्यू आ जाएगी 4 1 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 4 2 जा 8 एंड हेयर इट इज 2 अपॉन 8 एंड हेयर इट इज 1 अपॉन 4. एक तरफ v की वैल्यू हाफ आ गई और u की वैल्यू मेरे पास 1 अपॉन 4 आ गई. तो u और v ये दोनों के दोनों पोर्शन हम यहां पर पुट करेंगे. सो 1 अपॉन 3x प्लस वाई, u की जगह 1 अपॉन 4 रखेंगे, तो आ जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. ये हमारे निकल कर आ गए थर्ड इक्वेशन. फिर सेकेंड पर आते हैं, 1 अपॉन 3x माइनस वाई, v की जगह आ जाएगा 1 अपॉन 2. सो हियर इट इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. ये आ गई हमारी फोर्थ इक्वेशन. इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा दो, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड कराते हैं देन व्हाट विल बी द आंसर. 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. ऐड कराने पर ये पार्ट कट जाएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस 6. एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 1. जैसे एक्स की वैल्यू बनाई किसी में भी पुट करेंगे तो यहां आ जाएगा 3 1 जा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4. यहां पर आ जाएगा 4 माइनस 3 1. तो वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई 1. आंसर क्या था,